अमेरिका से लगी कनाडा की सीमा से एक दर्दनाक घटना सामने आ रही है। दरअसल भारतीय माने जा रहे एक परिवार के 4 सदस्यों की सर्द मौसम के चलते मौत हो गई, जिसमें एक नवजात शिशु भी शामिल है। हालांकि इसे मानव तस्करी का संभावित मामला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मैनिटोबा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने वीरवार को बताया कि एमर्सन के नजदीक कनाडा अमेरिका सीमा पर कनाडा की ओर बुधवार को 4 शव मिले, जिनमें 2 शव वयस्कों के, एक किशोर का और एक नवजात शिशु का शामिल है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया है कि मृतक भारत से आए थे, यानी भारतीय थे, और कनाडा से अमेरिका की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। RCMP के सहायक आयुक्त जैन मैक्लेची ने वीरवार को संवाददाता सम्मेलन में अब तक मिली जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि आज मैं जो जानकारी साझा करने जा रही हूं, वह कई लोगों के लिए सुनना बेहद ही मुश्किल होगा। यह निश्चित तौर पर हृदय विदारक हादसा है। जांच के बहुत ही शुरुआती दौर में लगा है कि सभी की मौत सर्द मौसम की वजह से। मैक्लेची ने कहा कि RCMP का मानना है कि चारों मृतक उस समूह का हिस्सा थे जिन्हें सीमा के नजदीकी अमेरिकी क्षेत्र से पकड़ा गया। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मैनिटोबा RCMP को अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा रक्षा विभाग से बुधवार को जानकारी मिली कि एमर्सन के नजदीकी लोगों का एक समूह सीमा पार कर अमेरिका में दाखिल हुआ और एक वयस्क के हाथ में बच्चे के उपयोग की वस्तुएं हैं, लेकिन समूह में नवजात शिशु नहीं है। इसके तुरंत बाद सीमा के दोनों ओर तलाशी अभियान शुरू किया गया और दोपहर को वयस्क पुरुष, महिला और नवजात का शव मिला, जबकि किशोर का शव कुछ देर बाद बरामद हुआ। इसी के साथ जांच में यह भी पाया गया कि मामले में मानव तस्करी के आरोप में फ्लोरिडा के 47 वर्षीय व्यक्ति स्टीव शैन को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल जांच जारी है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल देख न्यूज के साथ। धन्यवाद।